राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी इसे। आप वो जिनके दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और इसे आप महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। आज चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी आप कब मना रहे हैं, कल ये मना रहे हैं, परसों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ हमने 2 कप इस तरह से पहले चीनी ली थी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले कप से 2 कप चीनी ली थी और 1 कप पानी लिया था। और इसकी हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से रख दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ाई में बनाने के लिए। और मैं बता देती हूँ आगे हमने किस किस चीज़ की तैयारी करी है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे कुछ ड्राई फ्रूट है, तो मैं आपको बारी बारी से बता देती हूँ। यहाँ हमने सूखा नारियल लिया है, हमें इसे सूखे नारियल से बनाना है। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसमें आप बाजार वाला नारियल बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, सूखे नारियल से बनाना है। तो यहाँ पे इसको मैंने ग्रेट करके हल्का सा बिना घी के भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको मिक्सी में डाल के इस तरह से पीस लिया है। तो जितना आप दरदरा पीस के रखा है, मैंने देख रहे होंगे, इसे जो बड़े बूढ़े होते हैं नहीं खा पाते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी बर्फी बहुत ही बढ़िया जम के तैयार होगी। तो मेवा पाक हमारा बहुत बढ़िया जमेगा। तो ये होगी हमारी। और साथ में हमने गोंद लिया है कान्हा जी के जन्म के लिए। तो गोंद आपको इस तरह का मिलेगा बाजार में। तो 1 चम्मच घी डाल के गोंद को भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको भी पीस के रख लिया है। तो सभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को इस तरह से पीस के रखा है। और साथ में हमने नारियल पाउडर लिया है, सॉरी यहाँ पे हमने मखाने लिया था। मखाने को भी ड्राई रोस्ट करा था। मखाने आप सभी समझते होंगे, मखाने ये वाले होते हैं, कान्हा जी के प्रिय होते हैं। तो मखाने को भी भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे ये 1 कप है, ये हमारा नारियल का बुरादा 300 ग्राम है। और यहाँ पे हमने जो गोंद लिया है 50 ग्राम लिया है। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट लिए थे, ड्राई फ्रूट में हमने इसमें काजू लिए, सॉरी बादाम लिए थे, पिस्ता ली थी और थोड़े से अभी हमने पिस्ता सजाने के लिए रखी है, खसखस ली है और यहाँ खरबूजे के बीज लिए थे। तो ये वाले, तो यहाँ पे हमने सब चीज़ों को 50-50 ग्राम लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं सब चीज़ें मैंने 50-50 ग्राम ली थी। इन्हें 1 चम्मच घी में रोस्ट करा था। यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच घी से काम हो जाता है। तो यहाँ मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद इसको भी मैंने इस तरह से पीस के रख लिया है। तो आप देख रहे होंगे सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया है और भून लिया था। अब चलिए, तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है, तब मैं आपको, इधर हमारी चाशनी बन रही है। तो चाशनी बनाने का मेन तरीका तो चाशनी होती है हमारी, तो वो मैं बता देती हूँ। तो चाशनी आपको कैसे तैयार करनी है, तो यहाँ पे हमें 1 तार की चाशनी को तैयार करना है। अगर आपकी चाशनी अच्छी बनेगी तो आपकी बर्फी भी अच्छे से जम जाएगी। अगर चाशनी में कुछ भी कमी रह जाती है दोस्तों, तो बर्फी में या तो हमारी जमेगी नहीं, या ज़्यादा होगी तो टाइट हो जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपकी बर्फी अच्छे से जमे। तो यहाँ पे हम सब चीज़ों की पहले से हमने तैयारी कर रखी है। और यहाँ पे मैं आपको चाशनी दिखा रही हूँ कैसी हमारी चाशनी तैयार हुई है। तो यहाँ अब इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, वैसे चाशनी का 1 तार का पता लग जाता है, जैसे ऊपर झाग आते हैं तो आप समझ लीजिएगा 1 तार की चाशनी तैयार हो चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं। और फिर नहीं तो आप इसे हल्का सा पानी में डालें, प्लेट में देखें तो आप ये देख रहे होंगे इस तरह से 1 तार खिंच रहा है। तो ये 1 तार की चाशनी है। तो बिना डाले भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ हमेशा। तो जन्माष्टमी में किस किस के यहाँ बनता है मेवा पाक, या कूटू की बर्फी भी बनाते हैं कई जगह, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहले मैं क्या करूँगी, जितना मैंने 2 कप चीनी ली थी, 1 कप पानी लिया था जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में इस तरह से, तो यहाँ पे इसमें से मैं थोड़ी सी चाशनी निकाल के अलग रखती हूँ दोस्तों। तो कभी भी आप बनाइए तो थोड़ी सी चाशनी आप हमेशा निकाल के अलग रखा करिए। उसके बाद मैंने जैसे से
आधा आप देख लोगे मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम निकाल के साइड में रख लिया है, क्योंकि इसे इसलिए निकाली है अगर हमारी चाशनी कम ज़्यादा होती है तो हम इसमें मिला सकते हैं, अगर ज़्यादा होगी तो फिर निकल नहीं सकती है और कम पड़ती है तो हम डाल सकते हैं। तो मैं आपको सारी टिप्स बताती जा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने जो नारियल पाउडर को भून के पीस के रखा था इसे डाल देंगे, तो मैं इसको डाल देती हूँ। अब सारे हमें जितने भी बनाए हैं सबको हम डाल देंगे। छोटी छोटी टिप्सों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी बना लेते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट है इसे भी डाल देंगे, तो हमें सारे ही चीज़ों को डाल देना है और इसे एक हाथ से मैं मिक्स भी कर देती हूँ। और यहाँ पे हमने गोंद लिया था इसको पीस के रखा हुआ है, ये भी डाल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे 5 मिनट से कम में ही हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी जैसे हमने आपको बताया। और यहाँ पे मैं इलायची पाउडर का यूज नहीं कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप पी सकते हैं, मैंने यूज नहीं करा है। तो यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे और इसे हमें थोड़ा सा 2 तार की चाशनी होने तक अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने यहाँ 2 कप चीनी 1 कप पानी लिया था, उसमें से मैंने इतना निकाल लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं नाप बिल्कुल सही बता रही हूँ, तो इतना निकाल लिया था और ये हमारा इस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये ही हमारा थोड़ा ज़्यादा रह जाता है दोस्तों तो निकल नहीं सकता, डल तो सकता है। तो यहाँ पे कभी भी आप बनाएं तो इस तरह से करके बनाएंगे और यहाँ पे सब चीज़ों को आप पीस के रखेंगे तो जब जमेगी बर्फ़ी तो ये कटने में दिक्कत नहीं होती है। हम ग्रेट करके रखते हैं दोस्तों तो वो कटने में बिखर बिखर के जाती है तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर समय थोड़ा सा जमने तक की यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, जब कढ़ाई में से इस तरह से नीचे आप देखेंगे चीनी जमने लगती है तब आप समझ लीजिएगा। अभी मैं बता दूंगी वो भी। तो अभी 2 से 3 मिनट मिलाना है, थोड़ा सा डो हमारा टाइट होना है। अभी दिखाती हूँ आपको कैसा हमारा डो तैयार होना चाहिए और जन्माष्टमी के लिए आपको क्या सीखना है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो चीज़ आपको सिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हम मिला लेंगे जैसे आप देख रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट सब चीज़ें डालने के बाद चलाना ज़रूरी है जिससे कि सब चीज़ें चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए और चीनी जो हमारी चाशनी है थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब आप देख रहे होंगे जैसे चाशनी गाढ़ी होती जाती है 2 तार की तो साइड में आप देख रहे होंगे चीनी सूखने लगी है। तो यहाँ पे जैसे चीनी सूखने लगती है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी बर्फी अच्छी जमेगी। तो इन चीज़ों का छोटा छोटी चीज़ों का बिल्कुल टिप्सों का ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया जम के चीज़ तैयार होगी। तो यहाँ हमने 2 चम्मच खसखस भी लिया था, शायद मैं आपको बताना भूल गई थी, 50 ग्राम खसखस ली थी, 50 ग्राम हमने खरबूजे के बीज लिए थे, 85 ग्राम हमने बादाम लिए थे और 300 ग्राम नारियल लिया था, उनको कद्दूकस कर लिया था सूखा वाला। तो बस ये तैयार हो चुकी है जैसे आप देख रहे हैं, बस मैं इसको जमाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें करनी है। अब ज़्यादा करेंगे तो ये कढ़ाई में लगेगी और जलेगी, तो बस यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे और ये सिर्फ 5 मिनट ही रखेंगे तो ये बर्फ़ी जमने को तैयार हो जाती है। अब इसको हमें पलटना है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने ट्रे में एक बटर पेपर लगा लिया है, इसको पहले से ग्रीस करके रखिए, जब भी तैयारी करें पहले से ग्रीस करके रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से डालना है। तो यहाँ मैं सब बर्फी को डाल देती हूँ। और दोस्तों लाइफ में जो भी बनता है वो आपके सामने होता है, इसमें कुछ भी छुपाने लायक नहीं होता है। और यहाँ पे आपको मोटी पतली कितनी कैसे जमानी है वो आप कर सकते हैं, तो ये आपको देखना है आपके यहाँ कैसे पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं इसको एक साथ करूँगी जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से थोड़ा करिएगा क्योंकि लास्ट में मैं जैसे मैं बता रही थी कि जम जाती है फिर। और आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, कटोरी से दबा दबा के इस तरह से करेंगे तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर दूँ पहले फटाफट से। और आप यहाँ देख रहे होंगे 2 से 3 चम्मच में ही इतना घी छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा।
और ऊपर से सजाने के लिए अभी हमने यहाँ पे पिस्ता लिए, पिस्ता डालेंगे। तो यहाँ आपकी इच्छा है, पिस्ता खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते हैं, इलायची पाउडर भी आप देख लीजिएगा आप क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ हमारा थोड़ा सा पतला रह गया है तो यहाँ मैं इसलिए इसको ऐसे कर दे रही हूँ। यहाँ ऊपर से हमने थोड़े से ये जो ड्राई फ्रूट बचाए थे सूखे वाले, थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ, खसखस है, मिंगी है और पिस्ता डाल रही हूँ। तो पिस्ता आप अपने हिसाब से भर भर के डाल सकते हैं जितने भी आपको अच्छा लगे। तो इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे तो ये दब जाएगी, नहीं तो ये निकल के भाग जाएगी। तो यहाँ पे जब भी डालें इस तरह से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें। तो यहाँ पिस्ते को बारीक बारीक इस तरह से मैंने काटा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और डालने के बाद आप देख सकते हैं बाजार से भी अच्छी बर्फी हमारी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है और इसको जमने में 5 मिनट में ही ये जम जाएगी। तो इसको जब ही काटना है हल्का गर्म में ही काट के रखिएगा, जब ये टाइट हो जाती है तो बिल्कुल भी नहीं काटती है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको काट के भी दिखाऊंगी। इसमें निशान लगा देंगे अभी गर्म में और फिर ठंडे में आप जिससे आराम से निकाल सकें। बटर पेपर से क्या होता है बर्फी नीचे से कभी भी चिपकती नहीं है और आराम से निकल जाती है। तो यहाँ पे आप छोटी छोटी टिप्सों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ चाकू ले लिया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको कैसे काटनी है। यहाँ मैं चौकोर पीस में ही काट रही हूँ। तो यहाँ पे जब भी है तो निशान लगा दीजिएगा, नहीं तो जमने के बाद बिल्कुल भी नहीं काटती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से। और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारी मेवा पाक की बर्फी की रेसिपी कैसे लगी जन्माष्टमी के लिए। और पेज पर नए हैं तो शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बर्फी हमारी जमने लगी है, क्योंकि क्योंकि इसे गरम गरम में ही काटा जाता है, ठंडे होने के बाद ये बिल्कुल नहीं काटती है। तो यहाँ किनारे का पीस मैं निकाल देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है एक साथ करने के लिए। यहाँ इसको हम ऐसी तरह से अब जमने इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में हमारी बर्फी जम के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आज हम देख रहे हैं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता जी हैं, आकाश जी हैं, तो बहुत रेखा जी लिख रही हैं बहुत ही अम्मी हैं हमारे संग। और तो कोई भी अभी कमेंट नहीं आया है, आप अपने कमेंट का जवाब हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है, जिससे कि हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आएँ। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।